और मई महीने में जो तेल का खेल हुआ उस पे गांव वालों से हमेशा एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, जिस ग्रुप के माध्यम से हम सारी गांव की समस्या देखते रहते हैं। जैसे उसमें हमको पता चला कि हमारा चाचा का लड़का गया राशन लेने, उसको क्या नाम है चाचा का लड़के का, दीपक राजभर, उसका पर्ची फेंक दिया गया और उसको वहां से भगा दिया गया। और सारे गांव के लोग हमको फ़ोन करते हैं कि ऐसे ही से भैया समस्या, आप आइएगा तो थोड़ा देखिएगा। तो हमने कोरोना के महामारी से जब भी मैं गांव आया तो कितना दिन पहले आप आए, हमने जून में आया, जून में आने के बाद 15 दिन क्वारंटाइन हुआ। उसके बाद इस समस्या को देखा तो कम से कम 40 अप्लीकेशन कोटेदार के खिलाफ जिला पूर्ति कार्यालय, SDM कार्यालय सब जगहों पे दिया, लेकिन इसका अभी तक तो कोई निवारण नहीं मिला, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कोटेदार का भाई कोटेदार राम निवास है और उसका भाई राम कैलाश वो कोटा चलाता है और लोगों को कहता है कि हम राशन कम देंगे और नहीं देंगे, जो तुमको करना है कर लेना। 40 अप्लीकेशन के बाद उन्होंने बोला कि कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसके बदौलत हमने जब गांव वालों को मिला उसके बाद 17 जून को जब इस समस्या को हमारे प्रवीण गुप्ता सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, जब उन्होंने आके गांव की समस्या को देखा उसके बाद उस समस्या को पेपर कटार के खिलाफ कोई कार्रवाई किया, प्रशासन को दिया खिलाफ ये कार्रवाई किया है, जो प्रवीण कुमार गुप्ता ने नोटिस भेजा है अभी तक उसका कुछ निवारण नहीं हुआ है। 15 दिन आए दिन जनता को धमकी देता है, तुम्हारा यूनिट इतना है, 15 किलो देता है, आए दिन बोलता है कि राशन आया लेकिन कम हो गया, वहाँ से जिले पर से राशन पूरा उठता है लेकिन कम कहाँ से हो जाता है। हर बार मतलब 20 आदमी को ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारा राशन अगले महीने में देंगे तो इस महीने में जनता क्या खाएगी। जनता से 34 लोगों का बयान दर्ज हुआ, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होने का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, पेपर में पूरा 34 लोगों का बयान है, इसके अंदर में पेपर में 34 लोगों का बयान है। दुर्भाग्य यह है कि इतना करने के बाद आज भी राशन वितरण वही कोटेदार करता है। हालांकि नोटिस के बाद राशन किसी दूसरे दुकानदार को वितरण करना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या है कि चोरी में पकड़ा गया उसके बाद भी राशन का खेल मतलब वही कोटेदार कर रहा है। सबसे बड़ा हमारा समस्या है, कोटेदार को निरस्त किया जाए और कोटा किसी दूसरे को दिया जाए। मीडिया के माध्यम से मैं इसको उजागर कर रहा हूँ ताकि इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है, नहीं तो अब तक नोटिस के अलावा दूसरा राशन वितरण नहीं होना चाहिए, लेकिन वही कोटेदार राशन वितरण। सबसे बड़ी समस्या है कि राशन का राशन मालिक राम निवास है लेकिन उसका भाई कोटा बांटता है और लोगों को वहाँ पे अनाप शनाप गालियाँ वगैरह देता रहता है, किसी का गोनी फेंक देना, किसी का कुछ फेंक देना, वहाँ तक कि राशन कम देना। हमारे मोबाइल में हमारे माता जी को राशन कम दिया था, 26-30 किलो के जगह पर 26 किलो है, वो 26 किलो का हमारे पास रिकॉर्ड है। जनता ने शिकायत किया था, आप किए थे, हमने उन्होंने बोला था, इन लोगों ने जाके शिकायत किया था, लेकिन प्रधान जी यही शब्द आता है उनका कि हमसे मतलब नहीं है, हालांकि कोटेदार का मालिक प्रधान होता है। क्या समस्या आपकी? समस्या कि हमारे बड़ा बेटा का राशन कार्ड बनल रहा, 4 बेर मिलल राशन बाद कट गए, फिर राशन कोटेदार के हम जब बोल लें तो कहना कि ऐसा ना कि फिर में राशन तो हर बहुत कम मिला था, फिर पूरा परिवार का एक के में जोड़ देना। दो बेटा हमारा वो दोनों फैमिली वाला है, हम कहें भैया दोनों लड़ाई कर लगे एक करे में कट गया, ओके बनवा दिया, कल अभी ऑनलाइन खोल लेना बन जाए, कबो बन जाए। तो ये समस्या कितने दिन से है? अरे ये पर अप्रैल का समस्या, अभी तक ले आपका कार्ड कंप्लीट नहीं हुआ। लड़का बनारस में प्राइवेट गाड़ी चलाए ना जाए, जल्दी रहबे ना कल जाए, हमारा आदमी गुजर गए ना तो के जाए वाला है। आपकी बहू लोग यहीं रहती हैं? नहीं, एगो बड़ी बहू वहाँ रहेली, लड़का पढ़े ला, आज छोटी बहू तो अभी पिछले साल का शादी थी, अभी दुल्हन। चलिए ठीक है।